हाय गाइस, वेलकम बैक आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज की वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आज की वीडियो में मैं इंग्लिश के कुछ ऐसे रूल्स बताऊंगा, ऐसे स्ट्रक्चर बताऊंगा, जिसको यदि आप समझ जाते हैं तो आप इंग्लिश स्टोरी का यानी अंग्रेजी कहानी का आप आसानी से हिंदी में अनुवाद कर पाएंगे और आप इंग्लिश को समझ पाएंगे। सो गाइस, यदि आप चाहते हैं कि आपको इंग्लिश स्टोरी आ जाए अच्छी तरह से, आप इंग्लिश को जो है हिंदी में अनुवाद कर पाए, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और ध्यान से देखिए। इन रूल्स को, इन स्ट्रक्चर को आप नोट कर लीजिए, रफ पेन लेकर बैठिए, ठीक है, ताकि ये बिल्कुल भी आपसे मिस ना हो पाए। और हाँ, यदि ये अच्छा लगता है तो इस तरह के रूल्स मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और कई सारे बताऊंगा, बट आपको लाइक करके जो है कमेंट करना है और बताना है कि आपको इस तरह के जो है हर टेंस के, हर जो जितने भी रूल्स होते हैं इंग्लिश के, वो सारे रूल्स आपको चाहिए, जिससे आपको इंग्लिश का हिंदी अनुवाद करना या इंग्लिश को समझना बिल्कुल बहुत ही आसान हो जाए। सो गाइस, चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो रूल्स कौन कौन से हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि सबसे पहला रूल है सब्जेक्ट वॉज वर एडजेक्टिव नाउन, तो इसकी हिंदी क्या होगी, वॉज यानि था, अवर यानि थे। किस कंडीशन में, जब हमारे सब्जेक्ट के बाद वॉज वर का प्रयोग करेंगे और उसके बाद जो है कोई एडजेक्टिव आएगा या किसी का नाम आएगा, नाउन का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर ही, दे, ये एक सब्जेक्ट है, इसके बाद वॉज वर है और फिर क्या है, डॉक्टर, अ मैन, तो ये एक नाउन है, संज्ञा है, ठीक है। तो यहाँ पर ही वॉज अ डॉक्टर, दे वर नाइस मैन, तो यहाँ पर वॉज वर की हिंदी क्या आ रही है, था या थे, ठीक है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता कि वॉज और वर की हिंदी था और थी आए, ओके। इसीलिए तो यहाँ पर मैंने कई सारे रूल्स आपको बताया है ताकि आपका पूरी तरह से डाउट कंफर्म हो जाए। सो गाइस, आज के बाद आपको ज़िंदगी में कभी भी डाउट नहीं होगा, यदि आप इसको पूरा देखते हैं, पूरी वीडियो को आप समझते हैं, तो आपको बिल्कुल पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ओके, इसकी गारंटी है। सो आप इसको पूरा देखिए। चलिए हम देखते हैं अगला रूल। नेक्स्ट है सब्जेक्ट के बाद यदि वॉज वर आता है, ओके, और वॉज वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, MB3, क्रिया का तीसरा रूप आता है, तो उस कंडीशन में वॉज और वर का हिंदी था नहीं होगा, ना थी होगा, वहाँ पर होगा, जैसे देखिए मैं यहाँ पर बता रखा हूँ, ही वॉज बीटन, तो इसकी हिंदी होगी उसे पीटा गया, ठीक है, ऐसा किया गया, बताया गया, मारा गया, इसकी हिंदी इस तरह होगी। बॉयज़ वर गिवन अ चांस, लड़कों को एक मौका दिया गया, ओके। चलिए नेक्स्ट थर्ड रूल है, यदि कभी वॉज वर के बाद वर्ब की इंग फॉर्म आए, यानी क्रिया का चौथा रूप आता है, तो उस कंडीशन में वॉज और वर का हिंदी जो है था, थी होगा, लेकिन जो क्रिया का है, जो क्रिया की हिंदी है, वो आएगी रहा, इस तरह से बन जाएगा, रहा था, रही थे, रहे थे, ओके। यहाँ पर आप एग्जांपल भी देख सकते हो, कुछ लड़के एक पेड़ के नीचे बैठे थे, कुछ लड़के यानी सम बॉयज़ वर सिटिंग, बैठे थे, ठीक है, यानी वहाँ पर ऐसे नहीं बोलेंगे कि वो बैठ रहे थे, इसकी हिंदी ये भी आ सकती है, बट इसकी प्रॉपर मीनिंग जो है बैठे हुए थे, ये भी चलता है, अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे। नेक्स्ट है अ स्मॉल मंकी वॉज ड्राइविंग द कार, एक छोटा बंदर कार चला रहा था, चला रहा था, ओके, गा रहा था, तो इस तरह से आप एग्जांपल देख सकते हो, ठीक है, ताकि आपका जो ये रूल है कंफर्म हो जाए, आपको समझ में आ जाए, ओके। इसको आप नोट्स में जो है तो आप नोट कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आप कभी भी डाउट हो तो आप रिवीजन कर सको, ठीक है, तो इसकी आप नोट्स बना सकते हैं। चलिए गाइस, देखते हैं नंबर 4 रूल, और बेहद ही खास रूल, बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल, ओके, जहाँ पर अक्सर आप लोग कन्फ्यूज होते हो, ठीक है, और इसी वजह से आप इंग्लिश में मार खाते हो, इंग्लिश जो इंग्लिश स्टोरी है उसका प्रॉपर हिंदी मीनिंग
नहीं निकाल पाते हो। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यदि कभी इंग्लिश स्टोरी में या आप जब बुक पढ़ते हो तो हेड के बाद थर्ड फॉर्म आ जाए, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो उसका मीनिंग निकलेगा चुका था, लिए थे, गए थे, बनाए थे, चुके थे। ओके, यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हो, जैसे सी हमारा सब्जेक्ट है, यू हमारा सब्जेक्ट है, द थीव्स यानी चोर है ना, ये हमारा सब्जेक्ट है। इसके बाद क्या है, हैड रीच्ड स्कूल, स्कूल पहुंच चुकी थी। यू हैड ड्रंक वाटर, तुम पानी पी लिए थे। तो यहाँ ड्रंक क्या है, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म है, पीना, ड्रिंक आने पीना। ओके, ऐसे एक और एग्जांपल देखिए, द थीव्स हैड गोन बिफोर द पुलिस केम, यानी चोर पुलिस के आने के पहले ही जा चुके थे। तो यहाँ पर गोन क्या है, यहाँ पर गोन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, भी थ्री है। ओके, गो का थर्ड फॉर्म है और इसके पहले क्या लगा है, हैड। ओके, मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि जब हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आए तो वहाँ पर उसका मीनिंग होगा हो चुका था, गया था, गई थी, लिए थे, कुछ इस तरह का आप हिंदी निकालोगे तो आपको प्रॉपर जो है उसकी हिंदी इंग्लिश सेंटेंस का मीनिंग निकल आएगा। इसके बाद बचती है वर्ड मीनिंग, तो वर्ड मीनिंग जो है आप अपना स्टोरी पढ़ के या बुक रीडिंग करके कुछ भी करके आप जो है अपनी वर्ड मीनिंग बढ़ाते रहो, जिससे आप जो है एक अच्छे लेवल तक पहुंच पाओ। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट फिफ्थ रूल। यदि हैड के बाद कोई नाउन आए, ठीक है, नाउन यानी संज्ञा, किसी का नाम आता है, सॉरी, तो उसके बाद आप क्या करोगे, उसकी हिंदी आप प्रॉपर क्या निकालोगे, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हिंदी लिखी हुई है, मेरे पास एक कार कैसे था, हाउ हैड आई अ कार। ओके, मेरे पास एक कार कैसे थी, ये कैसे था, तो यहाँ पर मकसद है पास था। आप ये जानो कि जो हैड के बाद कोई नाउन आता है तो वहाँ पर हम इसका मीनिंग निकालेंगे कि वो हमारे पास था, वो चीज़ हमारे पास थी। ओके, वाई हैड ही टू बुल्स, उसके पास दो बैल क्यों थे। ओके, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसका बहुत ज़्यादा जो है यूज होता है, राइट। यहाँ पर आप इसका मीनिंग ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैं बोलता हूँ कि आई हैड अ मोबाइल, ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो गया कि मेरे पास एक मोबाइल थी, ठीक है, पहले थी, भूतकाल में थी। तो ये सारे जो मैं आपको रूल बता रहा हूँ ये पास्ट टेंस के हैं, भूतकाल में ये प्रयोग किए जाते हैं, राइट। आप खुद ही पढ़ते पढ़ते समझ जाएंगे। ओके, इसलिए कह रहा हूँ कि आप ध्यान पूर्वक बस पूरा वीडियो देखते जाइए, समझ जाएंगे आप, ओके, अच्छी तरह से। फिर है हमारा सिक्स्थ रूल, यदि क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ओके, एम टू मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्रिया का दूसरा रूप, तो वहाँ पर हिंदी निकलती है कुछ इस तरह से, या ई ए ता था। जैसे यहाँ देखिए एग्जांपल देखिए, मेरा भाई इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था, करता था। मैंने कहा, आई सैड, मतलब मैंने कहा, उसने सोचा, देखा, तो क्या आ रहा है, आ, इनके लास्ट में आ, किसी के लास्ट में ए। ओके, घर पहुंचा, राधा ने गाना गाया, या क्या आ रहा है, या गाना गाया, गाना गई, गाई, बाजार गई। तो इस तरह से जब हिंदी आती है तो आप समझ जाओ कि वो सिंपल पास्ट का है, और यदि इंग्लिश में रीडिंग करते समय सब्जेक्ट के बाद इस तरह से वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाए तो आप ये समझ जाओ कि उसकी हिंदी जो है इस तरह निकलने वाली है। ओके, और जो बेसिक लेवल से सीख रहे हैं, जिनको V2 नहीं पता, ओके, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं पता, तो वो गाइस कमेंट कर सकते हो आप, हम आपको वो भी बता देंगे। ओके, बट ये बेसिक इंग्लिश जो है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म समझते हैं, ये उनके लिए है, राइट।
और जो नए हैं वो भी सीख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप ध्यान दोगे तो आप अच्छी तरह से सीख सकते हो। आइए हम देखते हैं इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा। जैसे यहाँ पर है माई ब्रदर वर्कड एट इंश्योरेंस कंपनी। वर्कड क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्क का सेकंड फॉर्म है। ओके, तो वर्कड, माई ब्रदर वर्कड, मेरा भाई काम करता था। फिर है आई सैड, यहाँ पर सैड क्या है? यहाँ पर सैड से का सेकंड फॉर्म है, से यानी कहना। आई सैड, मैंने कहा। सी थॉट, सी थॉट, उसने सोचा। तो थॉट क्या है? थिंक का सेकंड फॉर्म है, थिंक। थिंक यानी सोचना, तो थिंक थॉट। ओके, आप वर्ब का सेकंड फॉर्म भी नोट कर सकते हो। ओके, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जो बेसिक लेवल से सीख रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। ओके, नेक्स्ट देखिए, सी लुक्ड एट मी। लुक्ड, लुक्ड क्या है? लुक का सेकंड फॉर्म है। उसने मुझे देखा, सी लुक्ड एट मी। मैं आधी रात को घर पहुँचा, आई रीच्ड। रीच्ड क्या है? रीच का सेकंड फॉर्म है, पहुंचना। तो मैं आधी रात यानी मिडनाइट, आधी रात को बोलेंगे मिडनाइट, तो मिडनाइट को मैं घर पहुंचा। राधा सैंग अ सॉन्ग, राधा एक गाना गाई, राधा ने गाना गाया। तो ये सैंग जो है क्या है? सिंग का सेकंड फॉर्म है, सैंग। ओके, गाना गाई। ओके गाइस, तो चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल की तरफ। ओके, साथ लास्ट रूल है गाइस। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो, ठीक है, यदि आपको लगता है कि नहीं बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो है तो मुझे इस तरह के कई सारे रूल सीखना चाहिए, तो गाइस आप कमेंट जरूर करो प्लीज़। ओके, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मैं आपके लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो जो है बनाता रहूं। और आप अपने चॉइस से भी जो है कमेंट करके बता सकते हो कि आपको बेसिकली किस टेंस में या किस तरह की चीज़ें आपको समझ में नहीं आती। ओके, तो उस पर मैं वीडियो अवश्य बनाऊंगा। तो चलिए हम देखते हैं हमारा लास्ट रूल क्या है। कुड, कई बार क्या होता है जब आप इंग्लिश स्टोरी पढ़ते हो, कहानियाँ पढ़ते हो, तो कुड आया करता है, कुड या कुड नॉट आता है। तो वहाँ पर क्या है, प्रॉपर मीनिंग आप नहीं निकाल पाते हो कि एक्चुअली मतलब क्या निकला सेंटेंस का। ओके, जैसे कुड नॉट या कुड आ गया तो क्या हम समझे? तो यहाँ पर आप समझोगे कि जो कुड का प्रयोग है ना, सामर्थ्य या क्षमता या योग्यता का बोध कराता है, वो भी भूतकाल में। जैसे मैं कर सकता था, ये मेरी योग्यता है, क्षमता है ना, अभी मैं नहीं कर सकता हूँ, बट कोई कार्य मैं पहले कर सकता था, इस तरह से। या मैं कर सका, या मैं नहीं कर सका, या मैं कर पाया, इस तरह से आप हिंदी निकाल सकते हो और आसानी से आप समझ सकते हो। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है, मैं फिल्म नहीं देख सकता था, यानी पहले की बात है। आई कुड नॉट वॉच मूवी। और हाँ, इसके साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, कुड के साथ क्रिया के पहले रूप का हम प्रयोग करते हैं। जैसे कुड नॉट वॉच, वॉच मींस देखना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तुम घर नहीं पहुंच सके, यू कुड नॉट रीच होम। रीच क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पहुंचना, इसका मतलब होता है पहुंचना। तो कुड नॉट रीच, नहीं पहुंच सके, नहीं पहुंच पाए। जैसे मुझे बोलना है कि मैं टाइम से घर नहीं पहुंच पाया या नहीं पहुंच सका, तो आई कुड नॉट रीच होम ऑन टाइम। तो इस तरह से आप बोल सकते हो। तो आई होप दैट गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं फिर से मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।